हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है ये मेरे अपडेट के साथ साथ आपके कुछ क्वेश्चन का जवाब भी मैं आज लेके आई हुई हूँ। जैसे कि आप लोग मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हो कि मैम, आपने बोला था कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो फ्रंट लाइन आई है, तो क्या ये कन्फर्मेशन हो गया है? तो हाँ, ये हो गया है। बीटा HCG टेस्ट मैंने करवा लिया है, जिसमें कि मुझे कन्फर्मेशन मिल गया है। और सेकेंड चीज़ ये है कि बहुत सारी महिलाएँ मुझसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही हैं, PCOD से रिलेटेड पूछ रही हैं, तो उन सब के भी मैं जवाब आज देने वाली हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि मैं वैसे भी जनरली कोई मेडिसिन का यहाँ पे रिव्यू करती नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ मैंने ये भी बहुत बार बोला हुआ है कि मैं किसी भी चीज़ पे बिलीव वैसे भी नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने नामिया के बारे में इसलिए बताया क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी अगर आपको बिलीव नहीं होता है, आप अपने जो डॉक्टर हैं उनसे जाके बात करके आप मेडिसिन लीजिए। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है कि आप इसको लीजिए या इसको नहीं लीजिए। जो मुझे काम किया मैंने उसको बताया आपको। एंड गायनोवेदा की रही बात, तो गायनोवेदा को मैंने कभी ब्लेम नहीं किया कि मुझे उसकी वजह से शुगर हुआ है। बट जब आपको कोई समस्या होती है ना, तो आप हर तरीके से सोचना चालू कर देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हुई क्यों है। मुझे 30 की एज में जब शुगर का पहला सिम्टम आया, तो मेरे लिए ये ना किसी शौक से कम नहीं था। इतना आसान नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई। और शुगर के नाम से ही मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। और जब मुझे ये चीज़ हुआ, तो मैंने अपने पूरे एक साल की जर्नी को याद किया कि मैंने ऐसा ऐसा क्या क्या किया है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे हुआ है, और ये बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है कि मैं ये चीज़ मानूँ, है ना। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर ब्लेम गेम मैं खेलती नहीं हूँ कभी भी, और मुझे ये आदत भी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि देखिए, लोगों का क्या है, लोगों का काम ही है बोलना। जब मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी, मेरा मिसकैरेज हुआ, तब भी लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला कि आप लोगों को बताती हैं, आपके खुद की प्रेगनेंसी नहीं होती है। लोग बोलते हैं, ठीक है, बोलिए, आपका मुंह है, आप बोल सकते हैं। और आज मेरी प्रेगनेंसी हो भी गई है, मैं आज भी सोशल मीडिया पे हूँ, और मैं अपनी पूरी 9 महीने की जर्नी भी दिखाऊंगी, बच्चा हो जाएगा तो भी दिखाऊंगी, मैं सब दिखाने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, जब झूठ है नहीं तो उसको छिपाना किस बात पे है। लेकिन इतना है कि मेरी जो ऑडियंस है, 99.9 जो ऑडियंस है, वो मेरी वेल विशर है। ये मैंने देखा है, ये मैं जानती हूँ। तो इसीलिए देखिए, किसी को भी आप जब कुछ बोलते हैं ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एक फिंगर आप दूसरे की तरफ करते हो, 4 आपकी तरफ उठता है। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं कर रही हूँ। हाँ, मेरी ज़िंदगी में जब अच्छा बुरा जो भी होता है मैं शेयर करती हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि मैं डिप्रेस्ड हो जा रही हूँ, नहीं, मैं शेयरिंग करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप वो लोग हो जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हो, मैं मुझसे कनेक्ट कर पाते हो, मैं आपसे कनेक्ट कर पाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आज मुझे प्रेगनेंसी अचीव हो गई है तो मैं जिनको नहीं हो रही है उनकी प्रॉब्लम मैं नहीं समझ रही हूँ। मैं समझ रही हूँ, मैंने भी 4 साल वो सफ़र किया है इस चीज़ को, तो मैं ये बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, है ना। तो अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के सिम्टम का। जैसे कि एक कुछ क्वेश्चन आए हुए थे मेरे पास में कि मैम, ब्रेस्ट में पेन होना क्या कंपलसरी है अगर प्रेगनेंसी रुक जाती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हर एक महिला को अलग अलग प्रेगनेंसी सिम्टम्स आते हैं। लेकिन हाँ, वाइट डिस्चार्ज जो आना ट्रांसपेरेंट, ये एक कॉमन देखा गया है ज़्यादातर महिला में कि आपको अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, जो कि बिल्कुल स्मेल नहीं होती है। दूसरी चीज़ है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना या ब्रेस्ट में आपको पेन होना या ब्रेस्ट की साइज में इंक्रीज होना या निप्पल की कलर में चेंजेस होना, दैट इज़ द हार्मोनल चेंजेस होता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ये चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। और डे बाय डे जैसे आपके प्रेगनेंसी के डेज आगे बढ़ेंगे, ये चेंजेस आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि ब्रेस्ट में पेन होना या इस तरह के चेंजेस होना, तो इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ब्रेस्ट में पेन होना, जैसे अगर आपको पीरियड्स आने वाले होते तो भी थोड़ी हल्की टेंडरनेस ब्रेस्ट में होती है। तो आप ब्रेस्ट कि टेंडरनेस को पकड़ के ये मत सोचिए कि ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है। प्रेगनेंसी का जो मोस्ट सिम्टम होता है वो होता है आपका पीरियड्स का मिस हो जाना। अगर आपको PCOD है या आपको PCOS है या इरेगुलर पीरियड्स की समस्या है या हार्मोन डिसबैलेंस है, तो भी आप उस वक्त भी आप ये नहीं समझ सकते हो कि नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, क्योंकि आपको फिर वहाँ पे पीरियड्स तो सारे टाइम पे आते ही नहीं होंगे। तो इसीलिए गाइस, आपको जब भी कुछ ऐसा सिम्टम लग रहा है या अगर आपके पीरियड मिस हो चुके हैं और पीरियड मिस हो चुके हैं, आपको सिम्टम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है,
तो भी आप एक बार जाइए घर पे प्रेगा न्यूज लाइए और आप उसको टेस्ट खुद से कर लीजिए। अगर उसमें भी डाउट आता है या हल्की लाइट लाइन आती है आपको, हल्की लाइट लाइन का मतलब ये होता है कि जो आपकी बॉडी में HCG हार्मोन है वो जो जनरेट हो रहा है वो स्लो है, वो जैसे जैसे वो ज़्यादा बढ़ेगा आपका जो डार्क लाइन वो आना चालू कर देगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जाइए और जाके आप बीटा HCG टेस्ट करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट होता है ये, इसमें आपको एकदम सटीक पता चल जाएगा। इसके रिपोर्ट के आगे फिर कुछ भी नहीं है, तो आप इसको करवा लीजिए जिससे कि आप कंफर्म हो जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या प्रेगनेंसी आपकी नहीं रुकी है। बहुत सारी महिलाएं सिम्टम्स को देख के ही जजमेंट करती हैं कि नहीं मेरे को ये सिम्टम आ रहा है ऐसा है, लेकिन नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज सिम्टम्स है ना गाइस जो आपके हार्मोन डिसबैलेंस में भी आपको होती है। आपको PID की समस्या है या फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्टम्स की अगर आपको समस्या है तो भी आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं बताती हूँ मेरे सिम्टम्स। मेरा जब मिसकैरेज हुआ था, मिसकैरेज के बाद में मैं डॉक्टर के पास मैं गई थी, मैंने अपना रूटीन चेकअप करवाया, मुझे जो पीरियड्स आए वो बहुत कम आए थे, बहुत कम मतलब एकदम लाइट आए थे, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जैसा मुझे पीरियड आया था, पीरियड ही है, इम्प्लांटेशन जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि चलो ठीक है जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है तो। उसके बाद में डॉक्टर ने मेरे को बोला कि देखो अब तुम ये महीने ट्राई करो, नहीं होता तो हम आगे लेप्रोस्कोपी करेंगे, जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया भी था, लेप्रोस्कोपी की हमारे बीच में बात हुई थी कि हम लेप्रोस्कोपी करने वाले हैं और या तो IUI करेंगे, तो हम लोग इसमें थे कि इन दोनों में से हम कुछ करने वाले। तो उसके बाद में फिर हमने डॉक्टर को बोला कि ठीक है, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिंस दी खाने के लिए और मैं खा रही थी, और आपको मैं बता दूं कि मुझे अंडे की क्वालिटी, अंडे की साइज़ में ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं था, मुझे टाइमली ओवुलेशन होता है, सब कुछ मेरा मतलब परफेक्ट है, बस मुझे पीरियड्स जो हैं उसकी लेंथ मेरी कम है, मतलब मुझे एक दिन डेढ़ दिन से ज़्यादा पीरियड्स नहीं होते हैं, जो कि बहुत सारी महिलाओं की ये समस्या है, मैंने अपने कमेंट में देखा है। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला। अब क्या था कि मेरा जो पीरियड्स डेट था उससे पहले ही मुझे पेट में बहुत ज़्यादा पेन आना चालू हो गया, और इतना ज़्यादा मुझे पेट में पेन हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आया। मैंने डॉक्टर को जाके दिखाया, डॉक्टर ने भी देखा, डॉक्टर को कुछ लगा कि है ऐसा, उनको ऐसा फील हुआ, उन्होंने अल्ट्रासाउंड में देखा लेकिन अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद में ना मुझे ब्रेस्ट टेंडरनेस हुई, ना मुझे वोमिटिंग जैसा कुछ लगा, ना मुझे कुछ ऐसा लगा, बस ये हुआ कि मुझे चक्कर थोड़ा आना चालू हुआ और मुझे सुस्ती लगना चालू हुआ, मुझे भूख लगना थोड़ा बंद हो गया, मतलब बस मन करता था कि सोए रहूं, यही सिम्टम्स मुझे मिले। और मेरा ये था कि मुझे वाइट डिस्चार्ज कंटिन्यू हुआ है, कंटिन्यू मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसा ओवुलेशन के समय में वाइट डिस्चार्ज होता वैसा ही मुझे वाइट डिस्चार्ज होता था, बस इतनी ही चीज़ें हुई है मुझे। और उसके बाद में फिर मुझे क्या पता मेरा मन क्या किया कि जैसे कि मेरा जो पीरियड्स डेट था इस बार का वो मेरा था 20 तारीख का, तो मैंने 20 तारीख को ही जो है वो अपना HCG करवाया। उसके दो दिन पहले मैंने जो है वो अपना प्रेगा न्यूज़ ला के चेक कर लिया था, तो प्रेगा न्यूज़ में बहुत फ्रंट लाइन आई थी जो मैंने आप लोग को बताया। उसके बाद 20 तारीख को मैंने जाके जो है अपना टेस्ट करवाया जिसमें कि मेरी पॉजिटिव की रिपोर्ट आई। तो अब बात आती है कि जो मुझे लास्ट टाइम में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जो मैंने बोला कि मुझे पीरियड्स आए थे इम्प्लांटेशन जैसा, वो हमको समझ में आया कि वो मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही थी और मेरा जो पीरियड्स था वो डिसबैलेंस हो गया था, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर पाए अपनी तरीके से कि हाँ ये मेरा पीरियड्स डेट है या ऐसा कुछ है। तो इसीलिए जिस जिस महिलाओं को मिसकैरेजेस हुआ है वो महिलाएं अपने पीरियड्स को ट्रैक करें। अगर आपको कुछ भी पीरियड्स में नहीं आ रहा है पीरियड्स, या आपको बहुत कम पीरियड्स आ रहा है, तो अपने डॉक्टर को जाके जरूर मिले और एक बार आप लोग ना प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मिसकैरेजेस होने के बाद में ऐसा सडन ही होता है कि ऐसा रुक जाए, तो ऐसा होता है। दूसरी बात है कि जो महिला गर्भ निरोधक गोलियां का सेवन करती है, एक बच्चा है आपका और गर्भ निरोधक गोलियां आप खा रही हैं कि आपको सेकंड बेबी ना हो, तो ऐसी महिलाओं को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो उसके लिए फिर क्या है कि डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट अलग लेवल पर चलाती हैं, तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से बात करिए, चाहे आयुर्वेद में आप दिखा रहे हो चाहे एलोपैथ में दिखा रहे हो, आप ज़रूर दिखाइए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने गायनोवेदा ज्वाइन कर लिया है, मेरी काउंसलिंग कल से चालू हो चुकी है और मैं अभी काउंसलिंग कर रही हूँ, विद इन के मेरे 10-12 पेशेंट हो रहे हैं, तो काउंसलिंग मेरी
आ गई है, चालू हो चुकी है और मैं ऑफिस आई हुई हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस आना था, थोड़ा बहुत काम रहता है, बस गाइड करके अब मैं निकल रही हूँ। शाम के 4 बज रहे हैं, घर जा रही हूँ अब मैं, और ड्राइवर अभी कार से छोड़ देगा मुझे। तो बस यही है गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, और जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका आंसर करने की आपको डेफिनेटली कोशिश करूँगी। और मैं शॉर्ट्स वीडियो अब ज़्यादा बनाने वाली हूँ, तो शॉर्ट्स में मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी अपडेट करते रहूँगी कि इस टाइम पर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आप लोग को मेरे चैनल पर बने रहना है और अपनी आंचल दीदी को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना। और हाँ, आज सावन के पहले सोमवारी की आप सबको बहुत बहुत बधाई, हर हर महादेव, और भगवान महादेव हैं या अल्लाह है, जीजस से जो भी हैं, जो भी मतलब है शक्ति है हमारे बीच में, भगवान करे आप सबकी गोद भर दे बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मुझे भगवान ने खुश किया बिल्कुल आप लोग भी वैसे ही खुश हो जाए। मैं बिल्कुल दुआ करूँगी सबके लिए, है ना। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से, राधे राधे।